इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और INN 7 में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर वजीर आजम मोदी ने टीवी पर आकर नया ऐलान किया। वैसे तो कोरोना के दौर में तकरीबन 6 बार टीवी पर आकर कोई ना कोई ऐलान कर जाते हैं। पहले तो आवाम को डर लगता था कि अगर वजीर आजम आज आवाम से मुखातिब होंगे तो अब क्या नई मुसीबत आने वाले, जैसे GST नोटबंदी वगैरह पर। अब प्रधानमंत्री आते हैं तो राहत पैकेजेस को लेकर आते हैं। वैसे तो सोशल मीडिया पर पेट्रोल डीजल को लेकर पुराने वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं कि कच्चे दाम कम होने के बावजूद UPA हुकूमत किस कदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। गैस पर भी BJP वालों ने हंगामा किया था। खैर यह पुरानी बातें हैं, अब तो लाखों करोड़ों के पैकेजेस की ही बातों का दौर है। फिर एक बार वजीर आजम ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा। वैसे भी पिछले 20 लाख करोड़ कहां और किन लोगों को मिले इसका पता नहीं है, पर एक बार फिर टीवी पर आकर वजीर आजम मोदी ने 5 किलो राशन मुफ्त देने का ऐलान किया। अब यह भी इससे जाहिर हुआ कि क्या भारत में 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन की मोहताज है। सब कुछ ठीक है कहने वाले वजीर आजम क्या बता पाएंगे कि क्या इस बात से यह मान लिया जाए कि 80% देश की जनता 5 किलो राशन पर निर्भर है। यह और बात है कि किस मियार का राशन होगा। बात बात को गांधी नेहरू को जिम्मेदार ठहराने वाले भाजपा के कई क्या बता पाएंगे कि पिछले 6 सालों में यही तरक्की हुई है कि देश के 80 करोड़ आवाम सरकारी अनाज के भरोसे जिंदा है। फिर यह ऐलान करते वक्त अपना मजहबी तासुब भी नहीं भूलते। इन्होंने छठ पूजा का भी जिक्र किया और दिगर त्योहारों का भी जिक्र किया, पर बकरीद और मुहर्रम याद नहीं, इसलिए कि फिर वह उसी पुरानी नहज पर चलते दिखाई दे रहे। अब इन्हें बिहार के इंतखाबात की भी फिक्र ज्यादा है और बिहार में छठ का त्योहार मनाया जाता है। आवाम में मोदी से चीन के बदले की उम्मीद कर रहे हैं, पर जैसे YAMAM के सदर जनाब असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पूछा चीन पर था और कह गए प्रधानमंत्री चने पर, यानी जो 5 किलो राशन है इसमें चावल गेहूं और चना है। पाकिस्तान को लेकर जहां सुबह शाम महीनों घुस कर मारने की बात करने वाले मीडिया वाले तो पता नहीं कहां छिप कर बैठे हैं। वैसे भी चीन की घुसपैठ के लिए उन्होंने गांधी नेहरू को ही जिम्मेदार ठहराया। अगर 6 जगहों पर आज भी चीन क्यों बैठा है भारत की सरजमीन पर, तो मीडिया और भाजपा वाले कहते हैं इसलिए दोनों का नाम लेना एक साथ पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा के तर्जुमान के तौर पर खिदमत अब मीडिया ही अंजाम दे रही है। ऐलानात जुमले और करोड़ों लाखों के पैकेजेस से आवाम का पेट इतना भरा हुआ है कि भुखमरी पर सवाल ही कोई नहीं पूछ रहा। कोरोना आलमी वबा का कहर जारी है। बेलगाम जैसे शहर में भी 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कई ऐसे वाकयात तस्वीरें नजर आ रहे हैं कि अस्पतालों में मरीजों से पैसे मांगे जाते हैं। कोरोना टेस्ट निजी अस्पतालों में मुफ्त नहीं है। बेंगलोर के तकरीबन 6 अस्पतालों पर हुकूमत की जानिब से कार्रवाई भी की जा रही है। गरीब बेचारा इलाज ना होने की वजह से मर रहा है। अस्पतालों की हालत खराब है। निजी अस्पतालों में हजारों के बिल लिए जा रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की लाशों की बेहुर्मती की जा रही है। क्या अस्पतालों के लिए बेहतर तिब्बी इलाज के लिए कोई ऐलान वजीर आजम ने किया है? अगर किया भी है तो जमीनी सतह पर कितना अमल हो रहा है? हासिल इत्तला के मुताबिक जो राशन तकसीम किया जा रहा है बिल्कुल खराब मियार का है और कहीं पर तकसीम नहीं हुआ है। तभी तो हर रोज किसी न किसी को गरीब को मरते हुए देखा जा रहा है। कहीं पर राशन तकसीम किया भी जाता है तो किस कदर भीड़ होती है, इसका नजारा बेलगाम में MP की जानिब से किए राशन तकसीम के दौरान देख चुके हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि सिर्फ बयानबाजी कब तक, जमीनी सच्चाई पर भी कुछ बात हो ताकि आवाम का भरोसा फिर से हासिल कर सके, वरना झूठ की बुनियाद पर बार बार आवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।